फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. इस शेडेड रीजन का हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. सबसे पहले ये जो बड़ी डायग्राम है इसके हमें क्या गिवन है, साइड्स गिवन है. ये क्या है 3 सेंटीमीटर एंड ये क्या है 5 सेंटीमीटर. मींस ये डायग्राम कौन सा है, रिक्टेंगल. ये जो ट्रायंगल है इसकी सारी साइड्स क्या है 2. मींस ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो शेडेड पोर्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिक्टेंगल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन का रीज़न आ जाएगा. तो चलिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, लेंथ ऑफ रिक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रिक्टेंगल. लेंथ ऑफ रिक्टेंगल क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रिक्टेंगल हमें क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रिक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. तो ये क्या आ गया, वैल्यूज पुट करने पर लेंथ की वैल्यू पुट की एंड ब्रेथ की वैल्यू, 5 मल्टीप्लाई 3, ये हमारे पास क्या आ गया, 15. एंड एरिया का यूनिट क्या होता है, जो साइड का यूनिट है उसका स्क्वायर. तो ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें दूसरा क्या गिवन था, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड. साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें क्या गिवन है, 2 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर. इस साइड की वैल्यू मैं इसमें क्या करूँगी, पुट करूँगी, अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर. 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2. तो ये क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2. ये क्या बच गया, अंडर रूट 3. और अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732. ये ऐसे ही एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमने क्या फाइंड करना है, शेडेड रीजन का एरिया. वो क्या है, एरिया ऑफ रिक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रिक्टेंगल क्या था, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. और मेरे पास एरिया ऑफ इक्वेटर ट्राइंगल क्या है, 1.732. अब हम इसे माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर क्या है 15, और लाइक टर्म बनाने के लिए इसके बाद डेसिमल के बाद कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 1, 2, 3. तो यहाँ पर मैं करूँगी डेसिमल लगा के 3 ज़ीरोस. दूसरी टर्म क्या है, 1.732, डेसिमल के नीचे डेसिमल 1.732. अब हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. कैसे करेंगे, कैरी लेकर. इसने कैरी दिया तो ये क्या बन गया, 4. इसने लिया ये क्या बन गया, 10. कैरी ऐसे ही देते जाएंगे, 10 में से 2 के 8, 9 में से 3 के 6, 9 में से 7 के 2, 4 में से 1 के 3, 1. ये मेरे पास क्या आ गया, 13.268 एंड एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 2 फॉर्मूले इसमें मेरे यूज़ हुए, एक तो एरिया ऑफ रिक्टेंगल जो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. दूसरा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो क्या है, अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर.